बंधुओं नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे चैनल पर। और आइए, आप सभी के जीवन की मंगल कामना करते हुए चलते हैं सपनों की खूबसूरत दुनिया, जो कि जब हम सो जाते हैं तब उस दुनिया में हमारा प्रवेश होता है। और वहाँ कभी अच्छा तो कभी बुरा होता है, कभी डरावना सपना आता है, कभी प्रेम का सपना आता है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी अच्छा कभी बुरा आता है। लेकिन हर सपने का परिणाम हम नहीं जानते हैं, तो अगर आप भी जानना चाहते हैं जो स्वप्न में देखते हैं, और आए दिन सपना देखता ही है, देखता हर कोई, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आप तक हर जानकारी सपनों के बारे में हमारे चैनल के माध्यम से आप तक पहुँच पाएगी। तो मित्रों, आज हम आइए सपनों की दुनिया में चलते हैं। और सपना तो सबको आता ही आता है, लेकिन अगर सपने में अभी समय चल रहा है पितृपक्ष, और अगर मित्रों पितृपक्ष में अपने पितरों को आपने अगर देखा है, तो मतलब आपके अभी जो पितर हैं वो आपको आशीर्वाद देने वाले हैं, लेकिन उनके लिए आपको शुभ कर्म कुछ करने होंगे, कुछ दान करना होगा। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराना होगा, गरीबों में दान करना होगा, और तब और गाय को रोटी खिलानी चाहिए, अमावस्या के दिन भोग भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से अगर सपने में आपने देखा है अपने पूर्वजों को, तो इसका मतलब वो आपके द्वार पर खड़े हैं। उन्हें शीघ्र आते शीघ्र तर्पण करें, उनके नाम से जिस तिथि पर वो गए हों उन्हें ब्राह्मण को भोजन करा दें, तो उन्हें तृप्ति मिलेगी, आपको आशीर्वाद मिलेगा, और आपके जितने भी अशुभ कर्म हैं वो सब नष्ट होंगे, आपके घर में सौभाग्य जगेगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई इस समय या कभी भी आपको अपने मरे हुए पूर्वज दिखे, तो उनके नाम से ब्राह्मणों को दान देने से पितृदोष भी नष्ट हो जाता है, और रुके हुए कार्य जो पितृदोष के कारण हमारा काम नहीं बन पाता, सफलता हमें बार बार काम करने के बाद भी नहीं मिल पाती, मित्रों वो मिलेगी। इसलिए आप सभी अपने पूर्वजों को सुखी करने के लिए दान करें, ब्राह्मणों को और गरीबों को भी भोजन कराएं, गौ माता को रोटी खिलाएं, कुछ शुभ कर्म करें जिससे आपके जीवन में सफलता आपके हाथ लगे। नमस्कार, धन्यवाद।